एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी फैशन वर्ल्ड। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? बस साल का ये एंड दिन है, लास्ट डे, और बस नया साल आने ही वाला है। और आप देख ही रहे हो, मैंने अपना बैकग्राउंड भी थोड़ा सा डेकोरेट किया है न्यू ईयर के लिए। एक्साइटिंग लग रहा है मुझे। आप सब लोगों की इतनी सारी विशेस, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और आपकी दोस्ती, सीरियसली यार, मैं इसे 2023 में कंटिन्यू करना चाहूंगी एंड आप लोग भी डेफिनेटली करना चाहोगे। तो मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए, मुझसे कनेक्ट रहिए इंस्टाग्राम पर, हम लोग बहुत ही अच्छी सी बॉन्डिंग रखेंगे और मैं आप लोगों को बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। सो जो लोग भी पहली बार मेरा ये चैनल देख रहे हैं, पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल दे रखा उसको वेट कर लीजिए, जिससे कि सारे वीडियोस इन फ्यूचर जब भी मैं बनाऊं आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन आए और आप लोगों को वीडियोस देख पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ, जो कि मैं आप सब लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। सबसे पहला मेरा जो सूट है ना, ब्लैक कलर का एक वेलवेट का सूट है, ये देखो कुछ इस तरीके से है। वेलवेट जो है इसकी 9000 वाली वेलवेट है एंड आई गेस कि 9000 वाली वेलवेट जो होती है वो सबसे बेस्ट वाली होती है। सो इसके फ्रंट पर आप देख सकते हो इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है, राउंड नेक है एंड नेक पर बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया गया है। काफी बारीक एम्ब्रॉयडरी है, जो कि यहाँ पर गोल्डन कलर है, येलो कलर है, रेड कलर है और बहुत ही सुंदर बारीक वाली एम्ब्रॉयडरी है। ये स्लीव्स पर भी आपको मिल जाएगी, ये बैक से बिल्कुल प्लेन मिलेगा। और मैं इसकी फ्रंट वाली एम्ब्रॉयडरी को क्लोजअप करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मिलती है आपको ये एम्ब्रॉयडरी है और एक्सल साइज में मैंने ऑर्डर किया था और मुझे लगता है बिल्कुल फिट आया है, एक्सल साइज है मुझे। यहाँ पर जो इनर दे रखा है ना, क्रेप का दे रखा है और जो क्रेप का इनर है वो यहाँ तक दे रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना यहाँ तक दे रखा है, सिर्फ जो कट होता है ना हमारा, उस कट तक दे रखा है, नीचे नहीं दे रखा। बॉटम की बात करें तो बॉटम आपको पैंट मिलती है और इस तरीके से इलास्टिकेटेड मिलती है। मेरी 5'1" हाइट है, सो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी लॉन्ग लग रही है मुझे। दे रखा है इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क, पट्टा जो कि जॉर्जेट का दे रखा है इसके साथ, वेलवेट नहीं है। और किनारे पर आपको इस तरीके से मिलती है ये लेस, बहुत प्यारी सी सीक्वन वाली। दुपट्टे की विड्थ ये है, जो कि एकदम प्रॉपर है। अब लेंथ की बात कर लें तो लेंथ भी एकदम प्रॉपर है, यानी कि 2.5 मीटर का दुपट्टा है। सो कुर्ता बहुत जबरदस्त है। मेरा नेक्स्ट कुर्ता है ना, वो आप देख सकते हो, ये मरून कलर, कुछ फालसा कलर का कुर्ता है। और इसके कुर्ते की बात करते हैं पहले, इसमें आपको वेलवेट में यहाँ पर फ्रंट पर मिलती है सेम एम्ब्रॉयडरी, ये देखो राउंड नेक मिलता है। राउंड नेक में ना थोड़ा सा नीचे कट दे रखा है, सो इस तरीके का डिजाइन मिल जाएगा आपको। एम्ब्रॉयडरी बहुत ही बारीक है, सेम वही एम्ब्रॉयडरी ना बहुत अच्छी कर रखी है, इनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी है और वेलवेट की क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। ये इस तरीके से क्वार्टर स्लीव्स में आपको मिल जाएगा और यहाँ पर ना इस वाले कुर्ते में भी आपको क्रेप का इनर दे रखा है इस तरीके से। एंड ये जो एम्ब्रॉयडरी है आप देख सकते हो बस साइज में नीचे तक दे रखी है पूरी। इसमें ना आपको स्लीव्स में एम्ब्रॉयडरी नहीं दे रखी, ना ही नीचे दे रखी है, बैक से बिल्कुल प्लेन मिलता है आपको ये कुर्ता। एंड इसमें जो इनर दे रखा है आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे तक दे रखा है, फिर आपको इलास्टिकेटेड मिल जाती है पैंट और इस तरीके से मिलती है ये प्लेन। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का कोई वर्क नहीं किया गया, ये सिंपली आपको ऐसे ही मिलती है, राइट। एंड इसके साथ जो दुपट्टा मिलता है वो कुछ अमेरिकन क्रेप में है और कुछ इस तरीके का फैब्रिक है। मुझे इस दुपट्टे में ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ये देखो आप देख सकते हो। अगर मैं मार्केट से लेने जाऊंगी ना तो मैं इसको पिक नहीं करूंगी, बिकॉज जो इसमें थ्रेड इस तरीके से निकल रहे हैं ना, ये मुझे बहुत ही अजीब लग रहे हैं। इसको लेकर तो मैं पहन भी नहीं पाऊंगी इसको। सो यहाँ पर इन्हें कुछ पिको वर्क करना चाहिए था। यहाँ पर दे रखा है लेस, इस तरीके की लेस मिल जाएगी। सो अमेरिकन क्रेप जो है डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पहले फ्रंट पर एकदम देखते ही ना ये बनारसी वाला दुपट्टा लग रहा था, और पिक से आप देखोगे तो आपको बनारसी वाला दुपट्टा ही लगेगा इस तरीके का। एंड दोनों साइड में लेस दे रखी है। अगर बैक से देखें तो जो लेस लगाने का तरीका है ना
वो भी थोड़ा सा जल्दबाजी में किया गया है, ये देखो। ये चीज तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है इस दुपट्टे में, दोनों ही साइड से ना ऐसे छोड़ा हुआ है जैसे कि बस भूल ही गया हो, जो मैन्युफैक्चरर है वो भूल ही गया इसको करते करते, फिनिश करते करते उसको अंदर ऐसे टर्न करके इसको स्टिचिंग करनी थी, लेकिन ना मुझे लगता है कि उसको जल्दबाजी इतनी ज्यादा थी कि वो इसको छोड़ गया ऐसे ही, और उसने चलो ऐसे ही पैक कर दो और दे दो। पूरा सूट भी बहुत अच्छा है, कमाल का वेलवेट है, एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी है, बट दुपट्टा आई एम स्टिल थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हूं मैं इसके दुपट्टे से। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ, जो कि बहुत प्यारा सा एक लहंगा स्टाइल है, और ये देख सकते हो आप अमेरिकन क्रेप सिल्क में है ये भी। और इसमें ना आपको मैं सबसे पहले इसके लहंगे को दिखाती हूँ, क्योंकि टॉप ना स्टाइलिश सा है, थोड़ा डिफरेंट भी है। सबसे पहले हम इसके लहंगे की बात करते हैं। लहंगे में आपको इस तरीके से मिलेगी ये स्कर्ट, और ये स्टिच है, एंड इसके अपर पोर्शन में आपको इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी प्लस मिरर का, फेक मिरर का वर्क मिलता है, जो कि फॉइल मिरर है। इसका मटेरियल आप देख सकते हो अमेरिकन सैटिन सिल्क टाइप होता है ना, कुछ उस तरीके से है। एंड नीचे आपको इस तरीके का गोटे का भी वर्क दे रखा है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, काफी सुंदर लग रहा है, काफी बारीक गोटा है। इसमें ना आपको मिलता है इनर, और वो क्रेप का इनर मिलता है। सो इस तरीके से इसकी है ये विड्थ, और प्लीट्स रखी हैं, और ये है इसका फ्लेयर। कुछ पिंकिश सा कलर है, बहुत ही प्यारा सा, जैसा आपको सामने नजर आ रहा है डिट्टो वही है, जैसे गाजरी वाला कलर होता है ना, कुछ उस टाइप का पिंक कलर है, और बहुत ही ज्यादा हल्का है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसके टॉप की टॉप ना सेमी स्टिच दे रखा है, ये देखो, ये इसकी चोली है, और चोली पे पूरा मिरर का वर्क हो रहा है। ये वी नेक में आपको मिलती है ये चोली, कुछ इस तरीके से आएगी, और ये पूरा एम्ब्रॉयडरी टाइप के फॉइल मिरर के वर्क के साथ मिलता है। इसमें व्हाइट एंड रेड कलर के मिरर्स के साथ बहुत सुंदर सी ये चोली बनाई गई है। फ्रंट पे कुछ अंगरखा स्टाइल दे रखा है, और यहाँ पर उसको पूरा स्टिचिंग कर रखी है, हुक नहीं दिए हुए हैं, और ये दोनों साइड से आपको स्टिचिंग करानी पड़ेगी। ये सेमी स्टिच है, एंड यहाँ पर मैंने एक्सल साइज में ऑर्डर किया था, ये डबल एक्सल आई है। मटेरियल है इनर का, इसमें इस तरीके से अटैच किया हुआ है ये, एंड बैक जो पोर्शन है वो ये है क्रेप सिल्क। सो ये है चोली, इसके साथ ऊपर आपको ये दे रखा है स्टाइल, ये देखो दुपट्टे का स्टाइल कुछ ऐसा दिया हुआ है, मिलता है नेक, और इसमें आपको ऐसे एडजस्ट करके इसके अंदर ऐसे डालना है, और आपका चोली वाला जो स्टाइल होगा ना वो ऐसे हो जाएगा, दुपट्टा पीछे की तरफ आ जाएगा, और फ्रंट पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये ऐसे, मतलब कि ये केवल शोल्डर को कवर कर लेगा, नीचे से आपको चोली विजिबल होगी, और कुछ ये वाला स्टाइल आ जाएगा। सो बहुत ही डिफरेंट सा स्टाइल लग रहा है क्रेप सिल्क में, ये मैंने उल्टा पहन लिया, ऐसे आएगा, इतना फर्क नहीं पड़ रहा, बस स्टिचिंग का फर्क है ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। सो इस तरीके से आएगा, एंड शाइनिंग आप देख रहे हो, शाइनिंग बहुत अच्छी लग रही है। कपड़े का मटेरियल बहुत अच्छा है, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड कलर बहुत ही सुंदर डिसेंट सा कलर लग रहा है। एंड अगर अटेंड करना है तो कॉलेज के फंक्शन के लिए एकदम प्रॉपर लहंगा है ये, काफी अच्छे से रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, और अगर आप रीसेलिंग में लेना चाहते हो तो यहाँ पर प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप चेकआउट कर सकते हो। सो अब हम बात करते हैं एक और लहंगे की, जो कि वेलवेट लहंगा, एंड आई नो आपको इस टाइम वेडिंग सीजन में लहंगे की रिक्वायरमेंट है, सो मैं लेकर आई हूँ वेलवेट का ये लहंगा, और डार्क ब्लू कलर में है, गंदा भी नहीं होगा, और आजकल ये कलर बहुत ज्यादा इन है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ब्लाउज की, जो कि स्टिच है, ये देखो यहाँ पर आपको स्टिच ब्लाउज मिल रहा है, तो मतलब आपको झंझट ही नहीं है ब्लाउज सिलवाने का। यहाँ पर क्वार्टर स्लीव्स मिल रही है, क्वार्टर से थोड़ी सी कम है, एंड इस तरीके से स्लीव्स मिलेगी, मतलब यहाँ पर आपकी एल्बो तक आ जाएगी। ये पूरी फ्रंट पर एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी रखी है, एंड आप देख सकते हो ये स्टिच है पूरा, और यहाँ पर कोई जिप नहीं दे रखी। एंड जिप नहीं दे रखी होती तो मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि जिनको एक्सेल आता है उनको फिट आया, टाइट आया, लूज आया तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो साइड में जिप देनी चाहिए थी, जिप नहीं दे रखी है। अंदर दे रखा है इनर इस तरीके से क्रेप का, और ये वेलवेट मटेरियल दे रखा है ऊपर, और बैक से बिल्कुल प्लेन है, फ्रंट पर पूरा का पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है। दिखाती हूँ आपको इसका लहंगा, ये है लहंगा, वेलवेट मटेरियल है, एंड स्टिच है लहंगा पूरा। इसके लिए बहुत अमेजिंग ऑप्शन हो सकता है, आप अगर कॉलेज के लिए कुछ सोच रहे हो, या अपने घर के किसी फंक्शन के लिए अगर वेलवेट का एक लहंगा सोच रहे हो ना, ये बहुत अच्छा स्टिच लहंगा है। इस तरीके से वेलवेट की इसकी शाइनिंग आप देखो बहुत सुंदर है, नीचे आपको पूरे
घेरे पर आपको इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी जो कि काफी शानदार लग रही है। एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी बड़ी अच्छी लग रही है एंड अंदर आपको क्रेप का या किसी भी चीज का इनर नहीं दे रखा है। सो माइंडेड आपको इनर नहीं दे रखा है इसमें। अगर हम इसकी ट्रांजी होने की बात करें तो ये देखो कुछ देख सकते हो आप, मुझे तो नहीं नजर आ रहा है बट नीचे इनको इनर देना चाहिए था। केन भी नहीं दे रखा, बुकरम भी नहीं दे रखी। क्या आप केन वाली इतनी स्कर्ट पहन सकते हो आराम से, आपको मिल जाएगी वो मीशो पर या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट किसी भी वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हो। क्या होगा इस लहंगे की वर्थ और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और दुपट्टे के लिए आपको इस तरीके से दे रखा है ये दुपट्टा, ये वेलवेट का दुपट्टा है। इसके किनारे किनारे पर बहुत छकोटे का वर्क है एंड साथ में एम्ब्रॉयडरी भी हो रही है ये देखो पूरी। एंड इसको टाई करने के लिए ये बेल्ट दे रखी है, इस तरीके से आप इसे टाई कर सकते हो। सो ये है ओवरऑल लहंगा जो कि काफी अच्छा लग रहा है। पूरे लहंगे में कोई कमी नहीं है, लहंगे की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है लेकिन अंदर इनर नहीं दे रखा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुर्ते की जो कि अगेन से फालसा कलर में है। और ये देखो इस तरीके से मैंडरिन कॉलर में वेलवेट का ये कुर्ता है। वेलवेट की क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सॉफ्ट है। आपको फ्रंट पे जो इस कॉलर से लेके यहाँ बस तक आपको गोटा पट्टी का और एम्ब्रॉयडरी का बहुत अच्छा काम दे रखा है। वही वर्क आपको मिलता है आपकी स्लीव्स पर। बैक से बिल्कुल प्लेन मिलेगा, फ्रंट पर से इस तरीके से आपको मिलेगा ये वर्क। कोई इनर नहीं दे रखा और मुझे लगता है रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये देखो इसके साथ आपको मिलती है एंड इलास्टिकेटेड है और आप देख सकते हो मैंने इसको एक्सेल साइज में ऑर्डर किया था और एक्सेल साइज में ही आया ये। इस तरह लगा आज का ये वीडियो और आज की ये शाम। न्यू ईयर में हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तक मेरे वीडियो को देखिएगा, ढेर सारा प्यार आप सब लोगों को और इस तरीके से मुझे प्यार करते रहिएगा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।